वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदी जी मजारी साहब। गुजारिश यही है जी, हमारे वजीर आजम को अब सोचना पड़ेगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम नहीं, वो एक जमात के वो धरने से निकलें बाहर, काम करें। अवाम काम चाहती है, अवाम रिजल्ट चाहती है। अवाम ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ चोर है, अवाम ये नहीं चाहती कि मरियम नवाज चोर है, अवाम ये नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ चोर है, अवाम ये चाहती है कि आप वजीर आजम थे, आपकी नाक के नीचे से चीनी चोरी हुई है उसका हिसाब दिया जाए, आपके होते हुए तेल ऑयल माफिया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया छा रहा था, उसका जवाब हमें चाहिए। हमें इस चीज का जवाब चाहिए कि जो गंदम हमारे 60% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर बेस्ड है उसकी क्रॉप स्मगल होकर जाती है, उसका जवाब हमें ये दें। ये छोड़ दें नाली गली मोहल्ले के, ये काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़े हुए, ये इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, वजीर आला है, गवर्नर है, तो हमें उसका जवाब दें। ये मेयर की बात, ये फलानी की बात, और ये कराची की बात करते हैं, मेयर तो इनका अपना कोलिशन पार्टनर है, ले उससे इस्तीफा, कहें आए मेरिट की बात, आए इस्तीफा लें और जान छुड़ाए आवाम की। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि चले जाओ घर से, ये अदलिया की सुन लें, उनकी बात पर सुन के अमल करें। अगर ये नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके इस अजाब इलाही जो इन्होंने नए पाकिस्तान की शक्ल में डाला हुआ है, इससे ये सारे इस्तीफा दे के घर जाएं। हमारी तो जान छुटे, हम तो स्कूल से बैठे, हम सर पेट्रोल नहीं पे कर सकते, आम आदमी 70 पे चढ़ना आजकल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बड़ी गाड़ियां तो छोड़ें, कारोबार बंद हो चुके हैं, ट्रैक्टर चल नहीं सकते, आपकी क्रॉप की कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रॉफिट नीचे चली गई है, 3 क्रॉपें जाया हो गई हैं, वीट को रती लग गई है, व्हाइट फ्लाई लग गई है उसको, कॉटन को अब तिटी दला है। इन्होंने क्या किया है, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, ये कराची को रो रहे हैं, ये लाहौर की किसको रो रहे हैं, किसान भूखा पेट मर रहा है इस वक्त, उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, उसका जवाब चाहिए हमें। सैयद हसन मुर्तजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को नैब ने बुलाया था।